अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू चैनल माय डेली लाइव विद अस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र हम सब ठीक हैं। तो आप काफ़ी अरसे बाद मैं अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो रहा थी पीछे, इंशा से छोटा था घर का काम वगैरह, बस बिजी भी रहते थे इसलिए टाइम ही नहीं मिला। तो इंशाल्लाह आप उम्मीद करती हूँ और आप दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आप अपने चैनल को मेंटेन करें और आप भी इसमें ख़ास सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने चैनल को और प्रमोट कर सकूँ। तो आज सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मिस रोज की, जो आजकल आपने देखा होगा नेट पर बहुत ज़्यादा, ये सारे यूट्यूबर्स वगैरह बहुत सारे एक्टर्स वगैरह इसके बारे में रिव्यू दे रहे हैं। तो मैंने सोचा चले मैं अभी आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँ। आप इसको देख रहे होंगे मिस रोज़ की, मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा पार्टी मेकअप किए हैं और ना मैंने आपको एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आपको ट्यूब से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। कम मैंने इसकी फाउंडेशन बनाई है, जिसको भी पार्टी मेकअप इसको मैंने इसे रेडी किया है उसकी 10 आवर बेस तो बिल्कुल ऐसे रही है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। यानी कि जो जिसको जिसने बनाई है उसने यही कहा है कि मेरी यानी कि लॉन्ग लास्टिंग फुल कवरेज बेस रही है। ये सिल फ्लॉलेस फाउंडेशन है जो आजकल नहीं चली मिस रोज़ की, और ये है 04 नंबर है मिस रोज़ का। तो आज इसका साथ शेयर करती हूँ, और इसके साथ ये नया प्राइमर ही मिस रोज़ का ही साथ आया हुआ है, मेकअप बेस प्राइमर सॉफ्ट स्मूथ एंड मॉइस्चराइजिंग, और ये भी बहुत कमाल का है। तो मिस रोज़ का पहले मैंने आपके साथ एक मिक्सर फिक्सर स्प्रे शेयर किया था, ये भी शेयर कर रही हूँ। मिस रोज़ का ही है मिस्ट एंड फिक्सर है, ये बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग है, इसे इसकी बहुत अच्छी कवरेज आती है। जब आप मेकअप के बाद इसको एंड पे इसका स्प्रे करते हो बहुत अच्छी आपकी स्किन और शाइनिंग से हो जाती है। तो चलिए मैं आपको इसके साथ बनाना बेस बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले बेस का सबसे पहले रूल ये है कि आप लोग कोशिश करें कि अपने ना मुंह पे मॉइस्चराइजिंग, क्योंकि विंटर का सीज़न है तो आप अच्छा से उसको मॉइस्चराइजर कर लें। तो मॉइस्चराइजर करने के बाद आप इसको हम लोग लगाएँगे प्राइमर लेंगे। अब हम प्राइमर अपने अप्लाई करेंगे, मैं इसको आपको अपने हैंड पे यूज़ करके दिखाती हूँ। ये हमने प्राइमर लिया और हमने प्राइमर को अच्छा सा स्प्रे कर लेना है। ये आपको प्राइमर की ही शाइनिंग आपको फ़ील हो रही होगी, इंतहाई हाइड्रेटिंग स्मूथ एंड सिल्की इसका प्राइमर। पहले भी प्राइमर में मिस रोज़ का यूज़ करती थी एक, वो भी बहुत अच्छा था, वो पम्प में था, और ये ट्यूब में, ये तो बहुत ही कमाल है। ये आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं, इसकी कितनी अच्छी शाइनिंग है, ये देखिए। इसको हमने कर लिया है, इसको आप टैप कर लें ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर हम इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। आप देखने देखिएगा मैं सिर्फ एक इस फाउंडेशन से ही अपनी इतनी अच्छी फाउंडेशन बन जाती है, आपकी बेस बन जाती है। मैंने पार्टी मेकअप इन दिनों में किए हैं, काफ़ी सारे पार्टी मेकअप मेरे पास आते रहे हैं, तो मैंने इसी से इनका किया, कोई और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं इसके साथ यूज़ किया, सिर्फ मैंने इसको यूज़ किया जस्ट, और इतनी अच्छी बेस बनी है कि आप सोच नहीं सकेंगे। देखिए मैं आपके सामने अप्लाई करके आपको दिखाऊँगी। मेकअप ब्रश लिया बेस वाला, तो हमने इसको अच्छी तरह अपने कर लेना है, इसको लगा लेना है, ये देखिए इस तरह। आप लोग इसको आप ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल मैंने यहाँ की लाइट सी लगाई है तो आपको फील हो रहा होगा कितना अच्छा इसका टेक्सचर है, और इंतहाई अच्छा इसका रिज़ल्ट है, कमाल रिज़ल्ट है। आप अप्लाई करेंगे आपको, यानी कि आप डेली मेकअप अपने करना है, पार्टी मेकअप पर जाना है, ये आप ईज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इसकी ये प्राइस है इसकी। चलिए ये हमारी हो गई बेस, आपने इतना टैप करना होता है जब तक फाउंडेशन आपकी अच्छी तरह स्मच ना हो जाए, इसको अच्छी तरह आपने करते रहना टैप टैप अपने ब्रश से करना है ताकि अच्छी फाउंडेशन बने। तो ये अब फाउंडेशन बन गई है, अब हमने इसके बाद अप्लाई क्या करना है। मैं क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं क्रिस्टाइन का लूज़ पाउडर हमेशा ये यूज़ करती हूँ। ये एवरी है, ये देखें 11 आगे डैश है 328, ये नंबर इंतहाई अच्छा है कि आपकी फाउंडेशन अगर थोड़ी डार्क में भी है तो ये लाइट टोन में आ जाता है। तो मैं इसके साथ अब ये लूज़ पाउडर यूज़ करना है। अच्छा, कुछ लोग फेस पाउडर यूज़ करते हैं, फेस पाउडर यूज़ करें बेशक करें, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप लोग ना पार्टी मेकअप करें तो आप लूज़ पाउडर ना लाजमी यूज़ करें, क्योंकि आपकी बेस को ना आप देखिएगा, आप ये देखिए आपकी बेस है कैसे, अब जैसे लूज़ पाउडर यूज़ करेंगे आपकी बेस वहीं लॉक हो जाएगी, देखिए आपकी बेस वहीं लॉक हो जाएगी, वो सारा ऑयल ये लूज़ पाउडर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये देखिए इतनी अच्छी स्मूथ आपकी बेस हो जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपकी बेस इतनी कमाल हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए अब ये देखिए लूज़ पाउडर लगाते ही आपको फील हो गया होगा, आप भर भर के लूज़ पाउडर लगाएं, जब जहाँ भर के लूज़ पाउडर लगाएंगे आपकी बेस इतनी ही कमाल की सेट होना शुरू हो जाती है। ये देखिए आपकी ये बेस हमारी लॉक हो गई है, ये देखिए
ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा दूसरा हैंड देखिए और ये हैंड देखिए, इसको आपको फ़र्क लग रहा होगा कितनी कमाल इसकी कवरेज है और बहुत ना रीज़नेबल प्राइस है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। हम ये हमारी बेस बन गई हैं, आप इसके ऊपर जब अब जैसे चाहेंगे, ये देखिए मेरे पास क्रिस्टाइन के हाईलाइटर में रखे हुए हैं, ये क्रिस्टाइन का हाईलाइटर है, ये भी देख लेंगे, बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। इसमें ना 4 ये कलर हैं, ये देखिए। अब मैं इसके ऊपर करूँगी, ये हम लोग करेंगे कलर इस पर हाईलाइटर का मैं अप्लाई करूँगी। हम ले लें हाईलाइटर सिल्वर, लेना मुझे सिल्वर ज़्यादा पसंद आता है। अब हमने इसके ऊपर सिल्वर हाईलाइटर लगाया, इसको अच्छा सा समझे हाईलाइटर लगाया, ब्लशन भी लगा लिए साथ ही। ये आप अपनी चीक्स को समझ लें और इसको लगाएंगे और इसकी देखें कवरेज कितनी प्यारी है। और अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे स्प्रे, ये देखेंगे स्प्रे हमने लिया, ये देखिए स्प्रे। अभी ना थोड़े बाद हमने स्प्रे अच्छा सा कर लेना है, स्प्रे हमने अच्छा सा करना है और साथ ही अपने इसको हवा लगाते रहना इस तरह कि आप ना इसको ड्राई कर दें। जब आप ड्राई होने के बाद अपनी आप बेस देखिएगा कितनी कमाल बेस हो जाती है। हमने ना स्प्रे करने से पहले भी हाईलाइटर लगा लेना है, आपकी जो जो आपकी ब्रो बॉन्स होती हैं, आपको जो जो आपने हाईलाइट करनी होती है ज़्यादा, उनको हाईलाइटर कर लें। अगर इसके बाद और अगर आप हाईलाइट और मज़ीद करना चाहते हैं स्प्रे करने के बाद, फिर हाईलाइटर ऊपर से दोबारा से अप्लाई कर लिया करें, इतना कमाल रिज़ल्ट आता है हाईलाइटर का, कोई हद ही नहीं है। देखिए अभी खुश्क होता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा ये देखिए, अब हमारा ड्राई हो गया, हाईलाइटर मैंने पहले हाईलाइट कर लिया था। अब अगर आप हाईलाइटर और करना चाहते हैं, हाईलाइटर उठाएँ और अपने जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट और करना है करें इसको, ये देखिएगा कितनी अच्छी शाइन आती है, देखिए इसके बाद, और इतना अच्छा हाईलाइटर लग जाता है। ये देख लें, आपको फाउंडेशन का अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि देखिए मेरी एक हैंड को देखिए और दूसरे हैंड पे देखिए फ़र्क, इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, इतनी फ्लॉलेस है कि आप सोच नहीं सकते। ये मिस रोज़ का रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा और आप ये यूज़ करें। बेफिक्र होकर आपकी बच्चियाँ यूज़ करें, जो कॉलेज वाले जाती हैं उन्होंने अगर यूज़ करना करें बेफिक्र होके, और अफोर्डेबल प्राइस हैं। चलें जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी दुआ करें कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, और इंशाल्लाह अब शुरू में करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करिए रखे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आपके साथ अपनी आने वाली हर नई वीडियो शेयर करूँ और अपने चैनल को हम आगे लेके बढ़ें। तो दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ 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 करें। दुआ में याद रखें, अकेला फेस।